कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक धार्मिक रिलेटेड ब्लॉग आप सबके लिए लेके आए हैं, विद्यापति मंदिर के बारे में। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये विद्यापति समस्तीपुर जिले में स्थित एक शंकर भगवान महादेव का मंदिर है, जो कि खुद ही यहाँ पे वो मूर्ति स्थापित किया गया है। बाद में यहाँ पे लोगों ने मंदिर निर्माण किए हैं। तो इसी विषय में आज यहाँ के एक निजी लोगों से हम बात करेंगे, इस मंदिर के बारे में उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का क्या है तौर तरीका, क्या है पूजा का सिस्टम, कितना आस्था श्रद्धा है लोगों का यहाँ से, और जो मनोकामना लोग यहाँ पे मांगते हैं क्या सच में मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो आज हमारे साथ मेरा एक भाई ही है, यहाँ का लोकल है, दोस्त कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं। उनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा आपके सामने, आप खुद ही सुनिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो इन भाई जी का नाम है प्रकाश गिरी हुआ, इसी गांव के ये निजी वासी हैं, हमारे रिश्तेदार में भी आते हैं और दोस्त भी कह सकते हैं इनको, भाई भी कह सकते हैं क्योंकि अपना भाई जैसा ही है, हम लोग साथ ही काम करते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो प्रकाश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस मंदिर को आप कब से जानते हैं? मंदिर को लमसम हम 10 साल से जो है जानते हैं। मतलब कैसा यहाँ का व्यवस्था आपको कैसा लगता है? इस मंदिर में आते हैं कैसा महसूस होता है आपको? आते हम आते हैं तो एकदम बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो इस मंदिर में हम आते हैं तो पूरा जो जितना डिप्रेशन बोलते हैं सब यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं। हम मतलब यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा खासा किया जाता डेकोरेशन भी अच्छा खासा किया जाता है। हम अर्शक जो सावन में हम सावन में आप देखिएगा तो यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ श्रद्धालु श्रद्धालु आते हैं यहाँ, आते हैं बहुत आस्था और और विश्वास है लोगों का। बहुत यहाँ पे आशा विश्वास है लोगों को। और यहाँ पर जो है जो भी आप मन्नत मानिए वो पूरा होता है। अच्छा, लोग यहाँ पे सिर्फ सावन में ही आते हैं कि सालों भर यहाँ पे पूजा पाठ यहाँ होते रहता है? सालों भर जो पूजा पाठ होता रहता है। आपके सामने की बात है जो आप इस मंदिर के पूरा इर्द गिर्द देखिए। दोस्तों, मैं इस मंदिर को थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। ये है मेन मंदिर यहाँ का विद्यापति का, जो बीच में ये गुंबज वाला मंदिर दिख रहा है, ये मेन मंदिर है। मंदिर में अभी रात का समय है, लगभग 10 बज रहा होगा, फिर भी काफी भीड़ है क्योंकि यहाँ पे शादी का भी प्रोग्राम होते ही रहता है, शादियां भी होती है काफी इस मंदिर में। हाँ, तो प्रकाश जी, शादी के लिए भी ये मंदिर काफी खास माना जाता हाँ, है। इस मंदिर में शादी भी जो भी होता है पूरा जीवन जो है अच्छा खासा चलता है। हम लोगों से जो एक्सपीरियंस उठाते हैं मतलब उससे शादी के जोरों को तो खास आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त हाँ होता है। खास आशीर्वाद जो है प्राप्त होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पूजा पाठ का क्या सिस्टम है, जैसे कि मतलब कि कब ये मंदिर खुलता है, कब बंद होता है, लोग कैसे पूजा कर सुबह पाते हैं? में जो है इस मंदिर का खुलने का टाइम है 4 बजे। 4 बजे से जो खुलता है मंदिर शाम को आरती होने के बाद जो है 9 बजे से मंदिर बंद होता है। जी, और मंदिर का गेट ही जो है अस्थाई बंद होता है, बाकी सब जो है सब कुछ चालू यहाँ पर रहता है। यहाँ पे सांझ के टाइम आइए, कभी भी कोई भी टाइम में आप आइए। यहाँ लाखे लाखों की भीड़ में श्रद्धालु और सब जो है शादी का जोड़ा यहाँ पे अनगिनती शादी जो है होते रहता है। तो होता रहता है। अभी दोस्त, आज की हम बात बताते हैं, यहाँ लमसम आज क्या शादी का दिन है, लमसम 50 शादी से ऊपर आज हो चुका है। आप यहाँ पर खुद है एक्टिव है, देखिए जो कितना शादी के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। तो दोस्तों, महादेव के ज्योतिर्लिंग में कुल 11 ज्योतिर्लिंग है, अपने देश में स्थित हैं, शायद कुछ अपने देश से बाहर भी स्थित हैं। तो उन ज्योतिर्लिंगों का तो अपना अपना अलग ही एक मतलब कि कह सकते हैं बहुत बड़ा महत्व है। और जो इस विद्यापति में जो इस महादेव का मंदिर है, इसका भी महत्व कुछ अलग ही है क्योंकि यहाँ भी सावन के महीने में काफी ज्यादा भीड़ रहता है। दोस्तों, अभी तो अलग टाइम चल रहा है, अभी सावन नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग थोड़ा सा खुला भी महसूस कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। लेकिन ये इसी मंदिर में अगर आप सावन में आएंगे तो इस मंदिर के चारों ओर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक लगभग आपको इतना ज्यादा भीड़ मिलेगा दोस्तों कि मंदिर तक पहुंचने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े रहते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक वो वेट करते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए, बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। तो इस मंदिर का भी बहुत सारा और खास बात है, और एक खास बात और बताते चलूं कि
इस मंदिर को जाना जाता है भक्त और भगवान के एक अनोखे संगम से। अब आप पूछोगे कि ये भक्त और भगवान का अनोखे संगम क्या है भाई, तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस गांव में ये मंदिर स्थित है, इस गांव के ही वासी थे पहले पहले के जमाने में, मैथिली कवि विद्यापति उनका नाम है। वो महादेव के परम पुजारी थे, उनके भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं ही उनके घर प्रकट हुए एक उगना के रूप में। यहाँ पे मूर्ति भी है, मूर्ति भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और वो उगना के रूप में उनके साथ नौकर बन के उनके घर में रहने लगे और उनको देखते थे पूजा पाठ करते हुए, आरती भजन करते हुए, और उनको गाते हुए देखते थे। गाना बड़ी प्यार से वो सुनते थे बैठ। गाना सुनते सुनते यूं उनके घर में कुछ ऐसा हुआ एक दिन, उनके परिवार के कारण कुछ अनबन होने लगा। वो तो नौकर ही थे उनके घर के, कोई तो जानता नहीं था कि ये नौकर भगवान का रूप है। ऐसा ही कुछ अनबन हुआ जिसका डिटेल तो काफी लंबा है, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूं, जिसके कारण वहां से वो गायब हो गए। और गायब होने के बाद यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण हुआ, और इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थित है, वो शिवलिंग आप रूपी धरती के अंदर से बाहर वो आए हैं, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद से इस मंदिर का मतलब की बात ही एकदम अद्भुत कह सकते हैं, एक तरह से बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ के लोगों का आस्था भी बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, हम लोगों का भी आना जाना होते रहता है यहाँ पे, काफी सावन में भी आने की कोशिश करते हैं, वैसे भी कभी मौका मिले तो आने की कोशिश करते हैं। और लोगों का जब डिमांड होता है कि भैया एक वहाँ विद्यापति मंदिर का ब्लॉग बना के लाइए, तो आप सबके लिए भी लाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीज दिखाऊंगा इस मंदिर का, एक एक चीज एक एक मंदिर दिखाऊंगा, और भी सारे भगवान का मंदिर है यहाँ पे, बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे राम लक्ष्मण हनुमान का भी यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है आपको शायद ये जो मंदिर है, एक यहाँ पे जो मूर्ति खड़ा दिखाई दे रहा है, यही है भक्त और भगवान। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा। खैर इसका डिटेल वीडियो और मैं लाऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ।